जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ, खासकर जो नशे के अपराधी हैं उनके खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसके तहत मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक गांजा तस्करी करने वाला एक गैंग, उसको बस्ट किया गया है। टोटल 100 केजीज के ऊपर गांजा पकड़ा गया है। अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए का गांजा एवं उसमें प्रयुक्त वाहन वो बरामद किए गए हैं। गांजा तस्करी के लिए ये लोग दो गाड़ियां सेंट्रो i20 इसका इस्तेमाल कर रहे थे और साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इन 6 अभियुक्त के साथ में 100 केजीज गांजा के साथ में ये सभी वाहन भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि जनपद मिर्जापुर एवं निकटवर्ती जो जनपद है उनके आसपास के एरिया में इनका वर्किंग था। बिहार से ये गांजा लेके आते थे और आसपास के बनारस, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं आसपास के जनपदों में इसको बेचते थे। इस गैंग पे फर्दर कार्रवाई और भी की जा रही है। सराहनीय कार्रवाई करने वाली हमारी थाना कछुआ एवं एसएसजी टीम को 20,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है और ऐसे जो नशे पे जो डील करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ मिर्जापुर में लगातार अभियान चलता रहेगा और इन सबको पकड़ के जेल भेजने के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट लगा के इनके अपराध से जो संपत्ति अर्जित की है वो भी कुर्की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश की आवाज़ न्यूज़। आपको बता दें कि मिर्जापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बता दें कि गांजा तस्कर लोग को मिर्जापुर पुलिस ने पकड़ा। आपको बता दें कि गांजा खरीद कर बिक्री करने का काम करते थे। गांजा को गोपालगंज बिहार से खरीद कर लाते थे जिसे जनपद मिर्जापुर, प्रयागराज के आसपास जनपदों में बेचा जा रहा था पैसा कमाया। आपको बता दें कि लगभग 35 लाख रुपये की अवैध गांजा तस्करी को प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया। ये बड़ी खबर।